अच्छा जी, अब आप पहले रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। तो ये पास्ट पेपर का एक सवाल है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पिंटू फॉर द ईयर 31st March 2008 इन अकॉर्डिंग विद IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सही है जी सर। अच्छा जी, अच्छा स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? हमें पता है कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट लेते हैं। तो उसकी हमने हेडिंग डाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और हमें पता है कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आ रहा है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नजर आ रहा है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। नजर आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? जी जी सर। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 440, ठीक है। अच्छा जी सर। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें कुछ चीजें प्लस माइनस करने के लिए नजर आ रही होंगी। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें फाइनेंस कॉस्ट नजर आ रही जी। फाइनेंस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट का रूल हमने पढ़ा था कि हम इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देते हैं जी। तो हमने 50 को ऐड बैक कर दिया, सही। अच्छा, इसी तरह हमें एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पर कोई गेन नजर आ रहा है, कोई इनकम नजर आ रही है? इनकम फ्रॉम एंड गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम होगी तो उस इनकम को हम यहाँ से लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम, राइट? हाँ, कोई भी इनकम हो, अगर फाइनेंस इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, कोई भी इनकम हो, यहाँ से हम इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इनकम कितनी है? 60 की। तो वो 60 प्लस हुआ हुआ है, हमने उसको लेस कर दिया, सही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्लस माइनस है, जैसे डेप्रिसिएशन है, गेन और लॉस है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ऐसी चीजें होती हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ बीच में स्पेस छोड़ा और यहाँ पर एक लाइन डाल दी कि कुछ चीजें प्लस माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल, सही। फिर हम इसके अंदर इन्वेंट्री का रूल अप्लाई करेंगे, रिसीवेबल्स का रूल अप्लाई करेंगे और पेबल्स का रूल अप्लाई करेंगे, जो मैंने बताया था। तो अगर हम बैलेंस शीट में जाएं, तो आपको इन्वेंट्री नजर आ रही है ये? जी जी। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 810। और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया है? कैलकुलेटर निकालो, डिफरेंस निकालो। ओके सर, कैलकुलेटर लेकर। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1210 माइनस 810, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स 400। 400 माइनस का रूल है। अच्छा, डिक्रीज इन 540 से माइनस करते हैं ना, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। डिक्रीज इन रिसीवेबल्स हो रहे हैं 60 से, डिक्रीज इन रिसीवेबल प्लस प्लस करते, सही जी। फिर हम गए करंट लायबिलिटी के ऊपर, तो करंट लायबिलिटी के ऊपर हमें नजर आ रहा है ट्रेड पेबल। सर इसमें जो कंफ्यूज है सर, वो एसेट को जो स्टॉक है ना, तो इंक्रीज कब, लाइक इंक्रीज कब मैं ऐड करना है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ये तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, इंक्रीज इन स्टॉक को याद कर लो। इंक्रीज इन स्टॉक अगर ऐड इंक्रीज होता है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज होता है तो ऐड कर देंगे। और यही रूल रिसीवेबल्स पे अप्लाई हो जाएगा और पेबल का ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे इंक्रीज इन स्टॉक अगर माइनस होता है तो इंक्रीज इन रिसीवेबल भी माइनस होगा, लेकिन इंक्रीज इन पेबल प्लस होगा। तो तीन तीन रूल याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद कर लो स्टॉक का रूल, वो रिसीवेबल्स पे अप्लाई कर देना और पेबल को उल्टा कर देना। अच्छा, ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1050 और उसका क्लोजिंग बैलेंस है 1410, डिफरेंस निकालो। तो ये डिफरेंस कितना बनता है? 260 बनता है जी शायद। इंक्रीज इन पेबल प्लस हो जाएगा 360 होगा सर, 360 होगा, इंक्रीज इन पेबल प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आंसर आएगा, उसको हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जी। अच्छा देखो, एक चीज है, टेक्निक क्या है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है सेक्शन सी के अंदर
और पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम सवाल पढ़ते जा रहे हैं और जो जो डेटा आता जा रहा है उसको हम रिलेटिव सेक्शन के अंदर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। हम पूरा सीक्वेंस में नहीं बना रहे, लेकिन बीच बीच में स्पेस वगैरह दे दे के हम इसके अंदर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। सर हम लोग मालूम नहीं पड़ेगा कितना स्पेस छोड़ना है कितना, वो एक दो सवाल के बाद समझ में आ जाएगा, सही है। अब इसमें से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड भी, राइट, और टैक्स पेड फॉर्मेट के हिसाब से, सही है। हां जी सर। अब इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड की समटाइम्स हमें वर्किंग करनी होती है, सही। हां अच्छा, इंटरेस्ट पेड जो है वो पहले हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट है 50 का, सही है जी। तो ये तो एक्सपेंस है ना, बाज दफा क्या होता है पेड का अमाउंट डिफरेंट होता है, एक्सपेंस डिफरेंट होता है और कैश पेड अगेंस्ट इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, सही। इसको चेक करने के लिए जब पेड और एक्सपेंस सेम ही होता है सर, हम लोग एक्सपेंस ही होगा ना टैक्स, नहीं नॉर्मली जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो ना, नेक्स्ट ईयर होती है, क्या थी सर, नेक्स्ट ईयर होती है, अगले साल होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऊपर जो हमने इंटरेस्ट एड बैक किया है वो है अक्रूवल से एक्सपेंस, लेकिन जो नीचे माइनस करेंगे वो कैश पेड होगा, ओके। ये सेम भी हो सकता है, सही है जी। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये सेम है, इसके लिए ऊपर इंटरेस्ट देखा और नीचे करंट लायबिलिटीज में जाके चेक करो कोई इंटरेस्ट पेबल तो नहीं है, ओके। नहीं है ना, नहीं है सर, इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ऊपर एड बैक हुआ है वही नीचे माइनस हो जाएगा, सही है जी। अब दूसरी चीज ये कि अगर इंटरेस्ट पेबल होता तो फिर हम इंटरेस्ट पेबल का टी अकाउंट बनाते और वहां से बैलेंस निकाल लेते, ओके। अच्छा अब टैक्स के ऊपर आ जाओ, टैक्स देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस कितना माइनस हुआ भाई, टैक्स ओके 160, सही है। इसके बाद बैलेंस शीट में आके देखो टैक्स की लायबिलिटी कितनी है करंट लायबिलिटी के अंदर, टैक्स लायबिलिटी नहीं पेबल है, हाँ एक ही बात है ना, लायबिलिटी और पेबल में क्या फर्क होता है, अभी एक ही बात है। तो ओपनिंग बैलेंस 0 है जी और क्लोजिंग बैलेंस 150 है जी। अच्छा ओपनिंग बैलेंस अगर 0 है ना तो फिर एसेट साइड पे जाके चेक करो, ऐसा नहीं है कि टैक्स का ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो पेबल की जगह रिसीवेबल में आ रहा हो। तो हमने इनकम टैक्स को जाके चेक किया तो इनकम टैक्स का हमें एसेट साइड के ऊपर बैलेंस नजर आ रहा है ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 0 जी। इसका मतलब है साल के बिगिनिंग में इनकम टैक्स रिसीवेबल था और साल के एंड में वो पेबल हो गया जी। अच्छा हमने IS-12 पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक इनकम टैक्स होता है और एक डेफर्ड टैक्स होता है जी। तो बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स भी चेक करें तो बैलेंस शीट में हमें डेफर्ड टैक्स नजर आ रहा है जी। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 30 और क्लोजिंग बैलेंस 50। अच्छा अब मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमेशा अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है तो अब मैं यहां से अकाउंट बनाने की वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैंने टैक्स का अकाउंट बनाया, सही है। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी 30 and 50, यहाँ आ गया, सही है, ठीक है। अच्छा इनकम टैक्स की लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 0 था तो हमने चेक किया तो वो एसेट साइड पर आ रहा था तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा और ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड पे कितना था 50 का और लायबिलिटी 150 की हो गई थी, ये 50 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। लेकिन ईयर एंड के ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ गई, एंडिंग बैलेंस यहाँ आएगा, सही है जी सर। अच्छा टैक्स एक्सपेंस यहाँ आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 160 का, तो 160 हमने यहाँ डाल दिया। अब इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो 200 प्लस 10 का डिफरेंस आएगा सर 250 यहाँ आ रहा है, हाँ जी,
सही है जी, और 190 यहाँ आ रहा है जी, जीएसटी का डिफरेंस आएगा। हाँ, इसका मतलब है यहाँ पर बैलेंस बच रहा है 60 का, यही बच रहा है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है जी वही आएगा, उससे उससे उसके जैसे ही मिलते जुलते आते हैं। तो अगर तुम उस पर प्रैक्टिस करके, ये पता होना चाहिए कि मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ क्यों लिखा और ब्रॉड फॉरवर्ड वहां क्यों लिखा, ये क्लियर होना चाहिए। रटो नहीं, तुम अकाउंटिंग को रटना नहीं चाहिए, अकाउंटिंग को सोच के या समझ के समझना चाहिए कि अगर मैंने 30 वहां पर लिखा है तो इसका मतलब है लायबिलिटी है जी, ओपनिंग लायबिलिटी, और इसका बैलेंस क्या लिखा है तो क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर जो 60 आ रहा है ना, तो ये 60 शो कर रहा है कि इस साल हमने टैक्स दिया नहीं बल्कि हमें टैक्स रिफंड मिला है। अगर कैश यहाँ आ जाता ना तो इसका मतलब होता है टैक्स पेड है। ओके, तो रिफंड तो प्लस होगा ना आइटम, तो टैक्स पेड की जगह टैक्स रिसीव्ड रिसीव्ड आ जाएगा और इसको प्लस में लिख देंगे। सही है जी। अच्छा, इस तरह से अब हमारे पास ये जो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। सही है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे जाने से पहले पूरा सवाल एक दफा रीड कर लेते हैं ताकि फिर हम पूरा सवाल एक साथ सॉल्व करें। अच्छा जी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऊपर नॉर्मली हमें एक साल की इनकम स्टेटमेंट गिवन होती है और दो साल की बैलेंस शीट गिवन होती है जी। अच्छा, अब हम इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो पहले पॉइंट में बताया हुआ है कि कंपनी ने इस साल एक आइटम ऑफ प्लांट जिसकी वैल्यू 240 थी वो बेच दिया 90,000 का, सॉरी 90,000 के लॉस पे बेच दिया जी। तो ये 90,000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल होगा, एक्सपेंस के थ्रू होगा ना, तो ऐड कर देंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। सही है जी। अच्छा, अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 240 थी और उसको बेचा तो 90 का लॉस आया, तो कितने का बेचा होगा? क्वांटिटी बेचा होगा, इसका मतलब हमने डिफरेंस कितना है 150 में बेचा। ये 150 जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ओके, सेल के तौर पर जी। सही है जी सर। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन ऑफ 280 वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन का क्या रूल है? एड बैक करते हैं। अब देखो, अभी तक मैंने कोई स्टैंडर्ड वर्किंग नहीं की, सिर्फ टैक्स की वर्किंग की है। सही है, लेकिन एग्जाम में इतनी इतना सा करने के बाद भी इसमें आराम से 5 या 6 मार्क्स अभी तक हम ले चुके हैं किसी वर्किंग के। सही है। अच्छा जी, पिंटू यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल इन IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देयर वर नो परचेजेस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। ये हम IS-40 के अंदर डिटेल रूल पढ़ेंगे तो उसको वहां रेफर करेंगे। सही, 6% लोन नोट्स वर रिडीम्ड अर्ली इनकमिंग अ पेनल्टी ऑफ 20,000 व्हिच हैज बीन चार्ज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा IFRS 1 हम पढ़ेंगे, IFRS 9 और IAS 32, उसमें ये लोन वगैरह के रूल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब देखो, 20,000 की पेनल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हुई भी है, तो ये पेनल्टी माइनस हुई भी होगी ना एज एन एक्सपेंस। जी सर। अच्छा जी, तो इसको भी मैं यहाँ पर एड बैक कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो ये बता रहा है कि हमने इस साल शेयर्स इशू किए हैं, इसकी हम वर्किंग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद ये बता रहा है कि पिंटू गिव्स अ 12 मंथ वारंटी ऑन सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट
लास्ट टाइम हमने IS-37 पढ़ा था वारंटी वाला प्रोविजन का, जी सर, उसकी एडजस्टमेंट है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये किसकी एडजस्टमेंट है? IS-37। ये किसकी एडजस्टमेंट है? IS-16। ओके, सही है। अच्छा जी सर, तो इसने कहा है कि वारंटी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डली हुई है, हमें पता होनी चाहिए कितनी डली। तो हमने बैलेंस शीट में जाके देखा, कोई प्रोविजन बना हुआ है वारंटी का, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 100 का। ओपनिंग बैलेंस 100 था। 100 का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 200 का। 200 का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 100 से प्रोविजन इंक्रीज हुआ है। जी सर। और अगर 100 से प्रोविजन इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा। जी सही है। तो प्रोविजन को एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको एड बैक कर देते हैं। अच्छा, इससे एक चीज सीखते जाओ, जब भी इस तरह की सिमिलर एक्टिविटीज आएंगी ना तो यही फॉलो होगा। जी चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे मिलती जुलती जो चीजें आएंगी तो हम इजीली कर सके। सर प्रोविजन इधर क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं लिखा? नहीं, डिफरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हमने IS-37 पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोविजन का डिफरेंस जाता है एज एन एक्सपेंस। ओके ओके सर, आई गॉट इट। सही है जी सर। सही है जी। जी सर। जी सर। अच्छा जी, ये हो गया बात, ये हमने रूल्स यहाँ से कवर कर लिए। तो हमने यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो सेक्शन था उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन कवर कर लिया, लॉस कवर कर लिया, प्रोविजन हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, फाइनेंस कॉस्ट हो गई, पेनल्टी हो गई। तो अल्टीमेटली अब हम इसको टोटल करते हैं ताकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाए। तो 440 के बाद से टोटल करते हैं। 440 करना है सर, प्लस करना है। 440 प्लस 50 माइनस 60 90 280 20 ओके ओके, इसका आंसर बताओ। हेलो, 920 जी सर। इन सब का आंसर 920 है। ऊपर का स्टार्टिंग 920 लिख दिया। अब 920 में 400 माइनस करो, 60 प्लस करो और 360 प्लस करो। नाइन फोर्टी। वेट सर। नाइन फोर्टी। अब इस 940 में से माइनस 50 करो, प्लस 60 करो। 950। तो 950 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी सर। आ गया 950। इसको हमने साइड में लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, पास्ट पेपर्स के अंदर जो कैश फ्लो के सवाल आए हुए ना, वो अगर तुम पास्ट पेपर से करोगे तो थोड़े से मुश्किल ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ सवाल 20 मार्क्स के भी हैं, कुछ सवाल 25 मार्क्स के भी हैं। जी सर। लेकिन जब यही सवाल तुम किट में जाके चेक करोगे तो वो सवाल को उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ होगा 15 नंबर के लिए। जी सर। मैं जी सर। सही है जी सर। तो हम कोशिश करेंगे किट में से कर लें ज्यादा अच्छा। तुम्हारे पास बीपीपी की किट है, कैपलान की? मेरे पास कैपलान के सर। हाँ, तो एक काम कर लेंगे ना, मेरे पास जो ना सॉफ्ट कॉपी में जो लेटेस्ट वाली है ना, वो बीपीपी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं तुमसे लेटेस्ट वाली, मतलब आपके पास कैपलान लेटेस्ट वाली है? लेटेस्ट वाली, 2019 की। हाँ, चेक करनी पड़ेगी मुझे, वरना मैं पहले तुमसे बीपीपी शेयर कर लूंगा सॉफ्ट कॉपी, ताकि जब बीपीपी से करना हो तो वहां से डिस्कस कर लें, और कैपलान से करना हो तो वहां, सब में सवाल एक जैसे ही हो। ओके सर, क्या बोलते हैं सर, मैं रिवीजन किस में करूं, कैपिटल से करना है या बीपी से करना है? इसी से भी कर लो, मसला नहीं।
जी सर सही है जी सर। अच्छा जी आगे बढ़े जी सर। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहां बना देता हूं, जगह ज्यादा आ जाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम आई थिंक मोस्ट ऑफ सवर्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आते हैं शायद। नहीं अगर पूरा स्टेटमेंट बनाना होगा तो उसमें तो तीनों एक्टिविटीज बनानी होंगी, और अगर इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज आएंगे तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग से भी आ सकता है और फाइनेंसिंग से भी आ सकता है। जी सर। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने के लिए हमें नॉन करंट एसेट साइड पे जाना पड़ेगा बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट साइड के ऊपर हम गए तो हमें ये तीन चीजें नजर आ रही हैं, दो चीजें नजर आ रही हैं। जी सर। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1860 जी, और क्लोजिंग बैलेंस है 2880। हम यहाँ से डिफरेंस नहीं लेंगे बल्कि हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे और वहां से बैलेंस निकालेंगे। सही है। तो हमने एक अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया। अभी आई एस 16 चल रहा है जी सर। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिखा तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा जी सर। अच्छा तो अल्टीमेटली हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था सर सीएफ और सीडी में क्या डिफरेंस है, लाइक आपने सीएफ की कैलकुलेशन की तरफ तो बीएफ और बीडी में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं मैं वो सीएफ क्लोजिंग सीएफ क्लोजिंग बैलेंस सीडी भी क्लोजिंग बैलेंस कोई फर्क नहीं होगा। कोई फर्क नहीं होगा। 1860 2880 So 1860 2880 ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना ये बुक वैल्यूज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है जी सर। सही है। अच्छा यहाँ पर क्रेडिट साइड के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा और वो डेप्रिसिएशन हमने ऊपर एड बैक किया था 280 का जी सर। तो इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। Okay. तो एसेट हमने बेचा था उसकी कैरिंग अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। डिस्पोजल यहाँ है ना, कैरिंग अमाउंट 240 था और 90,000 का बेच दिया था तो 240 ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया। सही है जी। अच्छा अब जाके बैलेंस शीट में चेक करेंगे कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है, क्योंकि एसेट जो है ना वो रीवैल्यू भी होता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। रीवैल्यूएशन पहले 50 का था अब 150 का हो गया जी सर। तो कितना इंक्रीज हुआ? 100 का इंक्रीज होगा। तो इसे डेबिट साइड पे डाल देंगे। ओके। और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। सर डिप्रिसिएशन तो ये होता ना एक्सपेंस होता है कि हम क्यों लायबिलिटीज पे क्यों लिखा? नहीं एक्सपेंस होता ना तो मैंने एसेट को कम किया है ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है। मैं बोला डिप्रिसिएशन को आपने लायबिलिटी साइड क्यों लिखा? लायबिलिटी साइड पे कहां है डिप्रिसिएशन? अगर एसेट की वैल्यू को कोई चीज बढ़ाएगी तो मैं डेबिट साइड पे ले जाऊंगा। ओके ओके सही है जी। अब इसको बैलेंस निकाल तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है जी सर? क्रेडिट साइड पे 3400 और डेबिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है बैलेंस निकालने के बाद? वन डबल फोर जीरो ये है। इस साल हमने 1440 के नए एसेट्स एक्वायर किए जी सर। सही है जी सर। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहला आइटम आ गया जो हम माइनस में लिखेंगे, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या आंसर आया था? 1440 ये 1440 का आउटफ्लो आ गया। सही है जी सर। उसके बाद
डिस्पोजल ऑफ एसेट, सेल्स ऑफ एसेट, कोई 90,000 राइट, वो 90,000 ऐड कर दिया जी सर। अब दोबारा ऊपर जाएं तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस है 400 और क्लोजिंग बैलेंस है 420 का डिफरेंस आ रहा है जी सर। यहाँ इसने कहा है कि हमने ना तो कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है ना हमने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल की है, इसका मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके सही है। तो परचेज ऑफ पीपीई डालने के बाद और सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट डालने के बाद सही है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बना लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो सर वो डिफरेंस क्यों आ रहा था 20 का, अभी उसी को चेक कर रहा हूँ क्यों आ रहा है वो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसा ही है। ओके ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 420 का, सही जी। अच्छा इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर हम दोबारा जाएं तो हमें नजर आ रहा था इनकम फ्रॉम एंड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी जी। अब देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि एक प्रॉपर्टी हमने खरीदी और उसको हमने रेंट, ठीक है, रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया तो उससे हमें रेंट आ रहा होगा जी, रेंट इन्वेस्टमेंट इनकम है जी। और प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसके ऊपर जो गेन आता है वो भी इनकम है जी। ये कलेक्टिवली कितना है 60 जी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना, सही है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो यहाँ आ गया, गेन मैंने यहाँ डाल दिया, इसका मतलब है 20 का गेन है। ओके अच्छा 60 का टोटल लिखा हुआ था उसमें से 20 का गेन माइनस कर दिया तो 40 की इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई 40 की। ओके ये इन्वेस्टमेंट इनकम हमें कैश में मिली होगी जी, तो इसको उठाकर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डाल दिया इन्वेस्टमेंट इनकम 40। अब जब तुम आईएस 40 पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके सर अब इसका टोटल कर लो, -1310 जी। अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो उसके अंदर डिस्पोजल की वैल्यू थी ना वो हमने निकाली थी, ये 90 नहीं है, 90 तो लॉस था, वो हमने निकाली थी ऊपर 150 सही बता रहा हूँ, 150 था वो, 90 नहीं था। 1250 का माइनस बैलेंस आ रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जी सर। अब उसके अंदर शेयर्स आते हैं, लोन आता है, डिविडेंड आता है जी, लीजिंग आती है। ओके तो अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल है और जो शेयर प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 600 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 1000 जी, ये 400 क्या, ठीक है। अच्छा प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था 0 और प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 600 तो 400 प्लस 600 कितना हो गया, 400 प्लस 600 1000। अब यहां देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दे वर इशू शेयर्स ऑफ कैश, इसका मतलब ये 1000 के शेयर्स इंक्रीज हुए कैश की फॉर्म में, सही है। और लिखा हुआ है बोनस शेयर्स नहीं है जी सर। अच्छा बोनस में कैश तो आता नहीं है जी, आता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर बोनस लिखा हुआ होता कि बोनस भी है
तो फिर मैं टी अकाउंट बना के वहां से बैलेंस निकालता। ओके अभी मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 1000 के शेयर्स इशू हुए। ओके सही है जी सर, मैंने टी अकाउंट बनाऊंगा। ओके इसी तरह बैलेंस शीट में गए तो लोन नजर आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन, लोन हाँ पहले कितना था, पहले 400 था, अब कितना हो गया, जीरो हो गया। कैसे हुआ जीरो, इसका मतलब हमने लोन पे कर दिया। हाँ तभी जीरो हुआ ना जी सर, तो हम लोग पूरा पे कर देते जीरो पे। सही है, अब आ जाते हैं डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन के लिए आपको नोट दिया हुआ है, ये देखें लास्ट वाला, डिविडेंड ऑफ 3 सेंट्स पर शेयर वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2008। तो डिविडेंड जो पे किया गया होगा वो ओपनिंग शेयर्स के ऊपर पे किया गया होगा जी। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, 600 और पार वैल्यू कितनी है एक की, 20 है, 20 0.2। तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, हाँ 0.2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 1200 जी। सही है, एक सेकंड दोबारा चेक करते हैं। नहीं सर 3000 समथिंग आ रहा है, एक सेकंड दोबारा चेक करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो दिए हुए हैं वो क्लोजिंग में 1000 दिए हुए हैं और ओपनिंग में 600 दिए, 600 दिए। तो हम ओपनिंग तो हम ओपनिंग ले क्लोजिंग ले, ओपनिंग क्लोजिंग ले ना, क्लोजिंग की डेट है 31 मार्च, हाँ और ओपनिंग की डेट दी हुई है लास्ट ईयर। तो हमने हमने 2008 पे किया, नहीं मतलब 2007 में, 2007 लेंगे नहीं एंडिंग लेंगे, बट हमने पे किया था सर, हम लोग ने 2000 जनवरी में पे किया था ना, नहीं शेयर्स के ऊपर जो हमने डिविडेंड पे किया है ना, हाँ डिविडेंड हमने पे किया है जनवरी 2008 में, सही है ओके, और शेयर्स हमने इशू किए थे अक्टूबर 2007 में जी। इसका मतलब है शेयर्स पहले इशू हुए बाद में डिविडेंड आया। ओके तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 1000 और पार वैल्यू है 0.2 जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, और डिविडेंड कितना मिला है, 3 सेंट्स पर शेयर, तो 5000 को 3% से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका डिविडेंड पेड जी। अच्छा अगर कभी डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, ठीक है, तो हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाएंगे, वहां से डिविडेंड निकालेंगे। ओके सही है जी सर, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब भी यही करेंगे। अब इसको टोटल करो, चार सौ पचास पॉजिटिव जी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज के आंसर मौजूद हैं जी सर, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ये रहा ऑपरेटिंग, 950 प्लस 450 माइनस 1250, 950 प्लस 450 माइनस 1250 150 का डिफरेंस आएगा। अच्छा एक गलती हो रही है, एक गलती की है हम लोग, ये जो लोन पे हुआ है ना, हाँ ये लोन भी पे हुआ है और 20 की पेनल्टी भी पे हुई है, 420 है। ओके यानी कि लोन पेनल्टी क्यों लगी, क्योंकि हमने लोन जल्दी पे कर दी जी। अच्छा ये 450 यहाँ से हटा देते हैं,
ये बैलेंस कितना होगा? 430. अब निकालो 950 प्लस 430 माइनस 1250. 130 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये पॉजिटिव है? जी पॉजिटिव है. तो ये लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सही है जी सर. अच्छा अब बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था. तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस नजर आ रहा है? जी आ रहा है. 31 मार्च 07 पे कितना है बैंक बैलेंस? 1400. नहीं, 1400 तो सबका टोटल है. बैंक बैलेंस के सामने हाँ. लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 10 दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हाँ. नील लिखा हुआ है. जी जी. तो लायबिलिटी में जाके चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है ओपनिंग में? बैंक ओवरड्राफ्ट है सर. कितना है ओपनिंग का? 120 है. 120 है तो माइनस में पड़ा हुआ है ना, तो ओपनिंग बैलेंस माइनस में कितना आ गया? जी माइनस में नहीं पड़ा है सर, प्लस में पड़ा हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है. हां ओके. माइनस में लिखते हैं. ओके तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? माइनस 120. तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा सर. 10 आएगा. अब इसको चेक करते हैं. 10 बैलेंस शीट में रखा हुआ है पॉजिटिव बैलेंस? जी रखा हुआ है. इसका मतलब है ये बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्व हो गया. ओके सर. तो इस तरह से चेक भी किया जा सकता है. ओके सर. हम लोग ने थोड़ा की अकाउंट इसका डिविडेंड का और रिजर्व का है ना सरप्लस फाइंड करने का, वो तरह करेंगे. डिविडेंड बता देता हूँ मैं. डिविडेंड का फाइंड आउट करने, देखो वो तो फिर 2-3 सवालों के अंदर मुख्तलिफ और भी चीजें आएंगी ना, तो 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा. ओके. लेकिन अगर देखो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो 2000 दिया हुआ है. सही है, ये बैलेंस शीट से उठा लिया हमने. जी जी सर. अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ऐड होता है तो टोटल कितना हो गया? 3500. और यहाँ 2000 पड़ा हुआ है जी, तो ये 500 क्या होगा? डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड. ओके. ऐसे इसका डी अकाउंट बनाएंगे. ओके सर. और लोन का नहीं होता ना? लोन तो डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल लेते. ओके. बाकी शेयर्स का बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा. ओके वो बाद में आराम से पता चल जाएगा ना. हाँ वो जब क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली वहां से कर लेंगे. अभी ये पूरा बेसिक तो मैं समझ में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब हाँ, बेसिक समझ में आया. इस पे ग्रिप लाने के लिए इस सवाल को 2 मर्तबा तुम अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें टी अकाउंट भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें जो ना भी समझ में आएगा. ओके 2 बार. कम से कम 2 मर्तबा प्रैक्टिस करोगे ना फिर जाके कुछ कुछ ऐसे होगा कि तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे आ रही है चीज. तो बाद में फ्रेक पर दूसरा क्वेश्चन करूंगा तो फिर भी थोड़ा अच्छा होता है. बिल्कुल जी सर. अच्छा अब मेरे पास इस वक्त जो ना बीपीपी की किट मेरे सामने खुली हुई है. अच्छा जब पूरा तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे ना अच्छी तरह तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद तुम्हारे सामने अगर एमसीक्यूज आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो वो एमसीक्यू तुम इजीली कर सकते हो. ओके सर. चेक करें तो सवाल की रिक्वायरमेंट सेज दैट सही है जी सर. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ. अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम चलते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या चीजें दी हुई हैं. तो हमारे पास किंगडम इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी और उसका इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 साल का. इनकम स्टेटमेंट तो सिर्फ करंट ईयर का रेलेवेंट होता है. 2012 का जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है इसकी तो हमें शायद जरूरत भी ना पड़े. ओके. 2013 की जरूरत पड़ेगी. ठीक है तो 2013 में हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें से जो काम की चीज है हमें क्या लेनी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सही है. और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फाइनेंस कॉस्ट ऐड होगी जी और इन्वेस्टमेंट इनकम लेस हो जाएगी. सही है जी जी. उसके बाद अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आऊं तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है. डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है?
1.5 million ये एड बैक हो जाएगा ओके और एन आइटम ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 1.8 मिलियन इस पे लॉस या गेन निकाल लेंगे कैरिंग अमाउंट था 2.3 मिलियन और सेलिंग प्राइस थी 1.8 तो 500 का लॉस हो गया हां जी सर लॉस भी एड बैक हो जाएगा जी सही है जी सर अच्छा जी अब इसका हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना सकते हैं इजीली सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट से स्टार्ट लें जी सर अच्छा जी प्रॉफिट से स्टार्ट लेते हैं तो हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 2013 का 2400 जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2400 इसके अंदर ऐड हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट हाँ अच्छा जी इसके अंदर से लेस हो जाएगा इनकम इनकम कौन कौन सी है रेंटल रिसीव्ड अच्छा रेंटल रिसीव्ड जो है हमारे पास आपका भला करे अगर मैं उसको ना भी छेड़ूं रेंटल रिसीव्ड को तो तब भी चल सकता है सही है लेकिन अगर मैं फॉर्मेट को कवर करने के लिए डाल भी दूं तो नीचे भी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सही है तो बेहतर ये है कि जब रेंटल रिसीव आ रहा है ना तो रिसीव का मतलब है कि ये रिसीव हो चुका है ओके अगर रिसीव हो चुका है तो इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है जी सर सही है क्योंकि एडजस्टमेंट तो हम उसकी करते हैं जो कि अक्रूवल्स पे आया होता है रिसीव नहीं हुआ हुआ होता जी सर तो रेंटल रिसीव की अगर मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर दूंगा तो फिर रेंटल रिसीव को मैंने नीचे लेके जाके बताना पड़ेगा ओके सर तो अब एक तरीका तो ये है कि हम रेंटल रिसीव को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं रेंटल रिसीव कितना है 350 और फेयर वैल्यू का चेंज है 200 का जी तो 350 और 200 400 सॉरी दोबारा देखें ओके 350 एक सेकंड रेंटल रिसीव और फेयर वैल्यू चेंजेस निकालनी है ना तो फेयर वैल्यू चेंजेस कितनी है 700 इस साल 700 की है सॉरी जी 700 की है वो 350 का रेंटल है और फेयर वैल्यू चेंजेस 700 की है जी दोनों को मैं एडजस्ट कर देता हूँ रेंटल रिसीव 350 और फेयर वैल्यू गेन 700 ये दोनों माइनस हो गए जी फाइनेंस कॉस्ट जो थी वो थी 600 की जी 600 की ऐड हो गई अच्छा जी अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है और लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करना है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड बैक हुआ और लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक हो गया तो डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1500 का और लॉस आ रहा है 500 का जी ये हो गया दोनों एडजस्ट जी सर सही है अब इसका आंसर निकाल लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर 2400 ओके फाइव जीरो अब मैं चलता हूँ स्टॉक रिसीवेबल्स और पेबल्स के ऊपर ओके तो हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस ये दिया हुआ है रिसीवेबल का बैलेंस ये दिया हुआ है और ट्रेड पेबल्स का बैलेंस ये दिया हुआ है जी तो रिसीवेबल जो है वो 3100 से 2300 हो गए इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई जी सर रिसीवेबल्स भी डिक्रीज हो गए जी और पेबल इंक्रीज हो गए जी सही है तो
डिक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज इन रिसीवेबल्स एंड इंक्रीज इन पेबल्स. डिक्रीज इन स्टॉक एड होता है 800 का, 800 का डिक्रीज इन रिसीवेबल 400 से ऐड हुआ जी सर, 800 ऐड हुआ, 400 ऐड हुआ, इंक्रीज इन पेबल ऐड होता है जी हां ऐड होता है, कितना 300 जी 300. अब आंसर निकालो 5450. अब इसमें से इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे और टैक्स पेड माइनस कर देंगे, सही है? अच्छा, टैक्स पेड तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले सवाल में निकाला था. और इंटरेस्ट पेड की मैंने लॉजिक बताई थी कि ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट एडबैक हुई वो 600 है. अब देखो यहाँ पर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है जी, आ रहा है, पिछले सवाल में नहीं था. तो ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट का था 50 पेबल और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 100 जी, और वहां पर 600 पड़ा हुआ है जी सर. तो इंटरेस्ट का अकाउंट भी टैक्स की तरह का बनता है. ब्रॉट डाउन 50 जी, कैरेट डाउन 100, 100 एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, इसका होगा यहाँ हो गया 650, यहाँ हो गया 550 होगा. तो ये इंटरेस्ट पेड आ गया जी सर, इंटरेस्ट पेड लिख दिया मैंने 550. इसी तरह मैं टैक्स का अकाउंट बनाऊंगा. तो टैक्स का अकाउंट मैं यहाँ बना लेता हूँ, टैक्स का अकाउंट मैं यहाँ बना लेता हूँ. टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, अच्छा इसमें कोई डेफर्ड टैक्स नहीं दिया हुआ, सही है? तो ब्रॉट डाउन 1850 और कैरेट डाउन 500 जी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कितना है टैक्स का, इनकम टैक्स 600 जी, उसको बैलेंस करो. ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, आंसर निकाल लो. पॉजिटिव जी सर, 2950 इसका मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2950 का पॉजिटिव बैलेंस आ गया. अच्छा आंसर जो है ना थोड़ा सा तुम्हारा एक थोड़ा सा गड़बड़ शो कर रहा है. हाँ तो आंसर तुम्हारा गड़बड़ क्यों शो कर रहा है, थोड़ा सा आंसर गड़बड़ शो कर रहा है. ये जो तुमने 3950 निकाला है, हाँ ये 3950 सही है? चक्कर तो फिर एक बार 350 का माइनस आ रहा था ना, तो हमने शायद कोई फिगर गलत लिखी हुई. फेयर वैल्यू गेन 350 700. अच्छा फेयर वैल्यू चेंजेस जो आ रही है ना, हाँ फेयर वैल्यू चेंजेस को एक दफा दोबारा देख लेते हैं, वो गेन था या लॉस था. ओके तो फेयर वैल्यू चेंजेस में रेंटल रिसीव ऐड हुआ है, फेयर वैल्यू चेंजेस माइनस हुई है, लॉस था ये, माइनस होगा चेंजेस लॉस माइनस में, तो ये पॉजिटिव आएगा. यहां पे लॉस है ना, लॉस तो ऐड बैक होता है. हां अब ये दोबारा कर लो, ये आंसर पे फर्क पड़ गया, ये आंसर पे फर्क पड़ गया.
5350 किसका आंसर आ रहा है ये इसका ही कैश ऑपरेटिंग का कहां से कहां तक सर अभी ये जितने 3950 होता ना 5350 अब इसमें बाकी ऐड लेस करो सिक्स एट फाइव जीरो और ये प्लस माइनस करो 4350 4350 सही है जी सर अच्छा जी अब इसके अंदर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए जी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने एक प्रॉपर्टी सेल की है 1.8 मिलियन की जी सही है तो ये तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट 1850 सही है सही अच्छा उसके बाद हमने प्रॉपर्टी परचेज की होगी अब परचेज के लिए हम नोट बनाते हैं सही है तो परचेज के लिए जो हमने नोट बनाना है तो उसकी मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन डिस्पोजल और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सवाल के अंदर से निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 25,200 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 26,700 सही है तो 25,200 मैंने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया और क्लोजिंग बैलेंस कितना था 26,700 डेप्रिसिएशन कितना था 1500 जो एसेट हमने सेल किया था उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 2.3 मिलियन अच्छा बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन जाके चेक करते हैं तो रीवैल्यूएशन रिजर्व 1200 और 2500 तो रीवैल्यूएशन में हमारे पास कम हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है सर कम हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है जी 1300 से ना जी तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है ये यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन 1300 सही है जी अच्छा इसके अलावा और कुछ है कुछ नहीं सर एक चीज और थी क्या थी ऑन जुलाई 2003 किंगडम एक्वायर अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी On this date is also transferred one of the property to property plan and equipment. इसने investment property से एक property property plan and equipment में transfer की है। जी। इसकी value थी 1.6 million। हाँ। सही है तो 1.6 million property में आया होगा। Yeah। तो वो debit side पे आ गया। Transfer। अब balancing figure निकालो। थर्टी वन एट हंड्रेड आ रहा है जी वन मिनट
31800 कैसे आ रहा है? ये आ रहा है 31800, ये वो आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर निकालो। वो कम हो गई है क्या? ये कम हो गई है क्या? 31800 में से ये माइनस करो 25200 और 1600, 5000 का डिफरेंस आएगा। 5000 का डिफरेंस आएगा ना, तो 5000 में हमने इस साल एसेट्स खरीदे। ओके, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, परचेज ऑफ पीपीई। हां सर, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी है ना 1800, वो तो ले लिया ना ऊपर 1850। 1800 है ना सर, 1850 नहीं है? नहीं है। अच्छा 1800 है, सही है, तो 1800 है, सही। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी परचेज की है। जी की है सर। वो कितने की है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हमने परचेज की है उसको अगर मैं ऊपर देखूं तो 1.4 मिलियन की। जी, तो ये 1.4 मिलियन यहाँ आ जाएगा। बट हम लोग ट्रांसफर किया था ना? ट्रांसफर तो हमने एक अलग प्रॉपर्टी की थी, एक खरीदी भी है। ओके, अच्छा रेंटल रिसीव कितने हुए थे? रेंटल रिसीव हमने जो एडजस्ट किए थे वो थे 350 के। 350 ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लो। माइनस 150 नहीं गलत आ रहा है, 5000 माइनस में, 1400 माइनस में, 1800 प्लस है, 350 प्लस है। दोबारा चेक करो। ओके 4250 4250 माइनस। जी सही है जी सर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, अब देखो पिछले सवाल की तरह निकलेगा या किसी और तरीके से निकलेगा? तो हम शेयर कैपिटल पे गए, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 15000 और क्लोजिंग बैलेंस था 17200। जी, और इसमें प्रीमियम नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई, नहीं दी। तो इसका मतलब डिफरेंस हमने शेयर्स इशू किए होंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2200 का। 2200 के हमने शेयर्स इशू किए, तो 2200 के हमने शेयर इशू किए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2200। फिर लोन को चेक किया, 12% लोन नोट्स, 5000 का था, 5000 का है जी। इसका मतलब है कोई लोन नोट्स पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा रिटेन अर्निंग का बैलेंस चेक करो। रिटेन अर्निंग का 8700 ओपनिंग था, 7700 था। अच्छा इसका टी अकाउंट बनाएंगे डिविडेंड निकालने के लिए। ओके, सो 8700 का ओपनिंग था और 7700 का क्लोजिंग, सही है। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ डाल दो क्रेडिट के ऊपर। जी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था 1800 का। जी, ये 1800 यहाँ डाल दो, इसकी बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड आ जाएगी। जी सर, 10500
2800 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। अब इसको नेट ऑफ करो, तो नेट ऑफ करेंगे तो 600 माइनस में आ जाएगा। जी सर। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब तीनों आंसर को प्लस माइनस करते हैं। एक था हमारे पास कहाँ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ गया, 4350 माइनस 4250 माइनस 600 माइनस 500 दिखा रहा है, माइनस 500 का आंसर आया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस पे चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ 300 का जी, 300 इसमें से एडजस्ट हो गया तो नेगेटिव बैलेंस कितना बचेगा, 200 क्या है, 200 चेक करो जी आया ग्राफ में 200 है जी जी आया, इसका मतलब ये सवाल भी हमारा पक्का सही तरीके से कंप्लीट